नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। आज 12 दिसंबर है, साल के 12वें महीने का ये 12वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। देश और विदेश के इतिहास में 12 दिसंबर को कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसका जिक्र आज भी इतिहास के पन्नों में किया जाता है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। भारतीय सिनेमा, तमिल और हिंदी के चर्चित सितारे और बेहद लोकप्रिय अभिनेता रजनीकांत का जन्म आज ही के दिन 12 दिसंबर 1950 में हुआ था। रजनीकांत उनका फिल्मी नाम है, जबकि उनका वास्तविक नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। रजनीकांत को तमिलनाडु में भगवान की तरह पूजा जाता है। हैदराबाद के हुसैन सागर झील के बीच में एक द्वीप पर गौतम बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा आज ही के दिन 12 दिसंबर 1992 में स्थापित की गई थी। ये प्रतिमा 16 मीटर लंबी और लगभग 350 टन की है। हुसैन सागर झील का निर्माण 1563 में हजरत हुसैन शाह अली ने करवाया था। ये झील हैदराबाद को अपने जुड़वा शहर सिकंदराबाद से अलग करती है। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया का जन्म आज के दिन 12 दिसंबर 1997 में हुआ था। रवि कुमार दहिया एक भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। 5 फीट 7 इंच की लंबाई वाले दहिया अपनी कैटेगरी में सबसे लंबे पहलवानों में से एक हैं। आज के दिन 12 दिसंबर 1996 में भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा जल के बंटवारे को लेकर 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि के बावजूद दोनों देशों के मध्य गंगा की सहायक नदियों के जल को लेकर विवाद रहा है। हालांकि अप्रैल 2017 तक दोनों ही देश सीमा से जुड़े हुए मुद्दों को सुलझाने में भी कामयाब हुए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।